नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। दोस्तों, बांग्लादेश को ओमान ने भले ही हरा दिया हो, लेकिन दोस्तों अभी उसको क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही कुछ करना पड़ेगा। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताते हैं आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश ने मंगलवार रात ओमान को 26 रन से हरा कर T20 वर्ल्ड कप में अपनी उम्मीदें जारी रखी हैं। दोस्तों, स्कॉटलैंड से टूर्नामेंट का पहला मैच गंवाने के बाद उसे हर हाल में जीत चाहिए थी। आखिरी 5 ओवर तक ओमान मैच में भारी नजर आ रहा था, लेकिन अब अनुभवी पेसर मुस्ताफिजुर की घातक गेंदबाजी के चलते 153 के जवाब में ओमान सिर्फ 127 रन ही बना सका। 28 रन देकर 3 शिकार करने वाले साकिब अल हसन प्लेयर्स ऑफ द मैच रहे। इससे पहले सलामी बल्लेबाज मोहम्मद नईम की 64 रनों की पारी और साकिब अल हसन के साथ तीसरे विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी से बांग्लादेश ने 20 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 153 रन बनाए थे। बांग्लादेश की टीम पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों से 2 विकेट पर 29 रन बना सकी थी। ओमान की ओर से बिलाल खान और फैयज बट ने 3-3 विकेट चटकाए, लेकिन दोस्तों यह जीत भी पूरी तरह से बांग्लादेश के लिए काफ़ी नहीं है। चलिए बताते हैं उसे क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले बांग्लादेश को कल होने वाले पपुआ न्यू गिनी के मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी। वहीं स्कॉटलैंड का मुकाबला ओमान से होगा। दोस्तों, में स्कॉटलैंड हारता है तभी जाकर कहीं यह टीम क्वालिफाई कर पाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं? अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।